सो हाई गाइस, दिस इज सुनील मालविया और आप देख रहे हैं जेंट्रोन टेक। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सीडीज या डीवीडीज को बना सकते हैं घर पर बैठे बैठे। बहुत ही इजी तरीका है एक बहुत ही बढ़िया से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जिसका नाम है वंडर शेयर का डीवीडी क्रिएटर। अब वैसे दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। मैंने वैसे फ्री वाला ही डाउनलोड किया हुआ है। इसके अगर आप एडवांस फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, बट आज के जो टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ फ्री डाउनलोड पर हो जाएगा। वैसे आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कैसे म्यूज़िक सीडीज़ को बनाया जाता है, कैसे आप वीडियोज़ को राइट कर सकते हैं डीवीडीज़ के अंदर, वो भी कुछ खास फॉर्मेट में। यानी कि जैसे शादी के वीडियोस, एंगेजमेंट के वीडियोस होते हैं, प्रोफेशनल जो वीडियो मेकर्स है जैसे वीडियो बनाकर देते हैं, जैसे डीवीडीज में राइट करके देते हैं, कुछ वैसे डीवीडीज हम बनाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी राइट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डेटा उसे भी आप राइट कर पाएंगे आपके सीरीज़ या डीवीडीज़ के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस वंडर शेयर के डीवीडी क्रिएटर के साथ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी प्रकार के फॉर्मेट हो, 150 टोटल फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। यानी कि किसी भी प्रकार का वीडियो फॉर्मेट हो, चाहे वो MP4 हो, चाहे वो MKV हो, चाहे वो AVI हो, सभी के सभी वीडियो फॉर्मेट्स को राइट किया जा सकता है। साथ ही साथ ये हर एक प्रकार के DVDs को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक सिंपल से बटन पर ही आप अपने सारे वीडियोस को या फिर इमेजेस को या फिर सॉन्ग्स को राइट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी खासी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर पर दी गई है। साथ ही साथ अगर आप वीडियो के साथ काम कर रहे हैं तो ट्रिमिंग, क्रॉपिंग, एनहेंस्ड वाटरमार्क, ये सब कुछ भी आप दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप वैसे क्या करें, ये सॉफ्टवेयर को अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, यानी कि जो डाउनलोड लिंक है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी और आसानी से। वैसे यहाँ पर सिर्फ आपको इस फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है और एक छोटी सी फाइल है, ये देखिए ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे बस आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपका वीडियो, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए वंडर शेयर डीवीडी क्रिएटर, डबल क्लिक करें इसे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये खुल जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। 6.1.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन है जहाँ पे आप क्रिएटर डीवीडी वीडियो डिस्क कर सकते हैं। अगर आप डीवीडी वीडियो बनाना चाहते हैं, डीवीडी डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ब्लू रे डिस्क बनाना चाहते हैं, ब्लू रे क्वालिटी की अगर वीडियोज़ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक सीडी बनाना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक कर सकते हैं। डेटा डिस्क बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप फोटोज़ या वीडियोज़ या इमेजेस को राइट कर सकते हैं आपके सीडी के ऊपर। एक ही क्लिक में आप डीवीडी बना सकते हैं या फिर और भी कुछ अच्छे खासे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे म्यूज़िक को राइट किया जाता है। तो आप यहाँ पर चले जाइए डेटा डिस्क के अंदर, क्लिक करें, यहाँ पर देखिए ऐड पिक्चर्स, वीडियोस या ऑडियोस। तो यहाँ पर इस प्लस साइन पर क्लिक करें और उसके बाद जहाँ पर भी आपके जो सॉन्ग्स है या ऑडियोस है लोकेटेड है उसे आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, इतने गानों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने लगभग 5-10 गाने जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आप बर्न क्लिक कर सकते हैं। याद रखें, बर्न दबाने से पहले अपनी सीडी को आपको डाल देना है आपके ड्राइवर के अंदर, यानी कि आपके पास जो डीवीडी ड्राइवर होगा या सीडी ड्राइवर होगा उसके अंदर आप सीडी पहले से डाल के रखें। तो ये था सबसे पहला ऑप्शन जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप सीडीज़ को, म्यूज़िक सीडीज़ को राइट कर सकते हैं। आइए सेकेंड ऑप्शन चेक करें जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप वीडियो राइट कर सकते हैं आपके इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो वंडर शेयर डीवीडी क्रिएटर पर फिर से हम डबल क्लिक करेंगे, इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये खुल गया। अब यहाँ पर हमें अगर वीडियो राइट करना है, आप चाहते हैं कोई वीडियो डीवीडी बनाए, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे आप क्लिक करें, क्रिएट अ डीवीडी वीडियो डिस्क। इसे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास एक अच्छा खासा विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप फोटोज़ डाल सकते हैं या फिर वीडियोज़ डाल सकते हैं। याद रखें यहाँ पर म्यूज़िक फाइल को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो जो भी नीचे लिखा हुआ आएगा उसके मुताबिक आपको उसी फाइल को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं कुछ वीडियोज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, तो यहाँ पर ये किचन, तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 वीडियोज़ है। तो ऐसे करते हैं हम ये 3 वीडियोज़ ले लेते हैं, ओपन क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर मेरे जो तीन वीडियोस है ये देखिए, ये सारे के सारे वीडियोस आ गए हैं। बहुत इजी, इतना सा ही आपको करना है और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं बर्न ऑप्शन के ऊपर। सीधे अगर आप बर्न पर चले जाएं और यहाँ पर आप तीन तरीके से इसे जो है यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले है बर्न टू डिस्क, आप सीधे अपने डीवीडी के अंदर राइट कर सकते हैं, या फिर आप सेव एज आईएसओ फाइल कर सकते हैं। आईएसओ फाइल वैसे क्या होती है मैं इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। या फिर आप सेव एज डीवीडी फोल्डर, यानी कि आप एक डीवीडी फोल्डर बना सकते हैं जो आपके कंप्यूटर पर ही होगा, वहाँ पर आप इसे सेव करके रख सकते हैं। बट बेस्ट है, हम सीख रहे हैं कि कैसे डीवीडी बनाई जाती है, तो आप बर्न टू डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं और बर्न प्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्हीं दो प्रोसेसेस के बीच में कुछ और प्रोसेसेस भी है जो है मेन्यू एंड प्रीव्यू। तो यहां पर ये सब क्या होता है मैं आपको बता दूं, मेन्यू ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप चाहे तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं आपके वीडियो को शुरू होने से पहले। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इंटरफेस आया है जहां पर आपकी जो वीडियो है वो लिस्ट आउट हो रही है। इसे आप चाहे तो कुछ अलग डिज़ाइन में भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि जब भी आपका जो डीवीडी है वो आप जब म्यूज़िक प्लेयर या डीवीडी प्लेयर में डालेंगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपके पास आएगा जहाँ पे आप माई डिस्क के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप प्ले बटन दबा सकते हैं, या फिर डिफरेंट सीन्स को चेक कर सकते हैं। सीन्स को चेक करना मतलब आपके पास यहाँ पर तीन वीडियोज़ हैं तो तीनों वीडियोज़ के जो सीन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये जो टेम्पलेट का जो तरीका है वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो मेरा प्रीव्यू है वीडियो का वो नज़र आता है। तो ये म्यूज़िक बज रहा था, मैं अगर सीन पर क्लिक करूँ ये सीन पर सीधे जंप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सीन नंबर वन है, वैसे और सीन्स आए नहीं है बिकॉज वो हमने ऐड नहीं किए हैं। तो आप चाहे तो सीन्स को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये डिफरेंट जो सीन्स है वो हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहे आपको बैकग्राउंड अगर कुछ चेंज करना है तो आप ऊपर ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है, या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं या यहाँ पर किसी टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड डाल के आपको दिखाता हूँ, तो कोई एक फ़ोटो को हम सेलेक्ट करते हैं और वो इसके पीछे मैं डालता हूँ। डेस्कटॉप पर चलते हैं, तो लेट वी एड दिस, तो ओपन, ये देखिए ये जो फोटो है वो इसके बैकग्राउंड पर ऐड हो गया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ऐसे बहुत सारी अच्छी खासी चीज़ें हैं जो आप अपने डीवीडी को बर्न करते हुए दिखा सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। और अब आप फिर से बर्न कर सकते हैं अगर आप बर्न करना चाहें। साथ ही साथ कुछ और एडिटिंग्स भी आपको इनके साथ मिल जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इस वीडियो के ऊपर कुछ एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक करें और अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ एडिट करना है जैसे क्रॉपिंग हो गया या ट्रिमिंग हो गया या कोई इफेक्ट देना है, तो सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करना है तो ये कुछ इस तरह से मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ। जो फाइनल आउटपुट है वो मुझे यहाँ पर इस राइट साइड विंडो पर मुझे मिलेगा। तो ये क्रॉपिंग है, ट्रिमिंग अगर मुझे करना है तो ट्रिमिंग कर सकते हैं। ट्रिमिंग में मतलब मुझे वीडियो बहुत बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए, तो ये सीधा मैंने ट्रिम कर दिया, तो अब इतना सा ही जो पोर्शन है इस वीडियो का वही आएगा। प्ले करता हूँ मैं, देखिए स्टार्ट पॉइंट कहाँ से शुरू होता है। इट वॉज डिजाइंड एंड बिल्ट, तो कुछ इस तरह से जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपका यहाँ से शुरू होगा जो मैंने स्टार्ट पॉइंट रखा है। या अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इफेक्ट दे सकते हैं, देखिए थोड़ा ग्रेश हो गया, एम्बॉस इफेक्ट हो गया या नेगेटिव इफेक्ट हो गया। उसी के साथ अगर आप अगर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन अगर कुछ आप एडजस्ट करना चाहते हैं, कोई कलर कॉम्बिनेशंस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ब्राइटनेस बहुत कम है या ज़्यादा है, तो इस सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर ही डायरेक्टली। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, सब कुछ अवेलेबल है। वाटरमार्क अगर आप डालना चाहते हैं कोई, तो वाटरमार्क आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाए और उसे सिलेक्ट करें जो भी वाटरमार्क आप डालना चाहते हैं। याद रखें वाटरमार्क आपको उस प्रॉपर साइज़ का बनाना होगा जो आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाटरमार्क आ गया, इसे आप छोटा करें और ये यहाँ पे। तो अगर आप कोई वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो वाटरमार्क डाल सकते हैं, कोई सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है बनाने के लिए। तो अब देखिए ये यहाँ पर हमारा जो वीडियो है, जो भी हमने अभी एडिटिंग की थी वीडियो के ऊपर, वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई हो गया है। और उसके बाद सीधे आप बर्न पर जाकर इसे बर्न कर सकते हैं। कोई एक नाम दे दीजिए जैसे कि माय गैजेट्स वीडियोस,
और जिस डीवीडी राइटर के थ्रू आप इसे बर्न करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर ले, एनटीएफएस ठीक है यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, और जस्ट क्लिक करें बर्न के ऊपर। जैसे ही आप बर्न क्लिक करेंगे आपकी जो डीवीडी है वो आपकी राइट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप डीवीडीज को राइट कर सकते हैं। मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद करता हूँ, फिर से हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस जो है वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया डीवीडी यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोर डीवीडी टूल्स ऑप्शन, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप डेटा डेस्क बना सकते हैं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा जहाँ पे म्यूजिक फाइल हम बना रहे थे। आईएसओ तो डीवीडी कर सकते हैं, अगर आपके पास आईएसओ फाइल है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आप नॉर्मली टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं उसे आप डीवीडी में राइट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। वीडियो एडिटर दिया हुआ जहाँ पे आप वीडियोज एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज एडिटिंग का शौक है तो। स्लाइड शो मेकर आप बना सकते हैं, यानी कि आपकी जो फोटोज़ है उनको आप स्लाइड शो के रूप में दिखा सकते हैं और बनाकर आप अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। एक ही क्लिक में आप अपने डीवीडी को बर्न कर सकते हैं, एक ही क्लिक में आप ब्लू रे डिस्क बना सकते हैं, सीडी बर्नर आप एक ही क्लिक में सीडी को बर्न कर सकते हैं, डीवीडी टू डीवीडी अगर आपको कॉपी करना है तो आप वो कर सकते हैं, डीवीडी टू वीडियो आप बना सकते हैं, या फिर ब्लू रे डिस्क को आप वीडियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लू रे डिस्क है तो उसे आप वीडियोज में निकाल कर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे खासे ऑप्शन है। आपको पता ही होगा कि ये जो निचले जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं आपको, बिकॉज ऐसी बहुत सारी मार्केट में डीवीडीज आती है जिन्हें आप राइट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, बट यहां पर आप इन ऑप्शंस को यूज करके वो सब कुछ कर पाएंगे। तो ये थे बढ़िया से ऑप्शन सारे इस बढ़िया से सॉफ्टवेयर के, और ये सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है वंडरशेयर का डीवीडी क्रिएटर। अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर आज ही डाउनलोड करना है तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर मैंने इसका डाउनलोड लिंक दिया है, क्लिक करें, आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और यूज करना शुरू करें। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा हमारे लिए, और साथ ही साथ दोस्तों जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।